क्योंकि माइंड है तो थॉट होगी और थॉट है तो माइंड होगा, तो माइंड आपका है तो थॉट तो होगी, रोक नहीं सकते आप, और ये कैसी होती है असंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जीडी भार्गव और मैं प्रेजेंट करता हूं अपने ऑफिशियल चैनल को अवर ब्रेन अवर लाइफ। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस को लेकर। स्ट्रेस है क्या, जिसको हम चिंता बोलते हैं, वो है क्या चीज, क्यों होती है, व्हाई, और कोई सिम्टम देती है क्या कि अब स्ट्रेस होनी शुरू हो गई है और स्ट्रेस के अब इम्पैक्ट आने शुरू हो जाएंगे, ऐसा हमें फील होता है। तो हम सिम्टम भी, पांच सिम्टम भी लेंगे आज, जो आपको बताते हैं कि आप स्ट्रेस में हैं, इमीडिएटली आपको एक्शन लेने की जरूरत है। और ये वीडियो को आप इस तरह समझिए कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें स्ट्रेस नहीं होती है, हमें तो कोई चिंता ही नहीं है, पर थोड़े दिन बाद वो कहाँ मिलते हैं, हॉस्पिटल में लंबे से बेड पे, कार्डियो अटैक, आर्थराइटिस, ठीक है, शुगर, बीपी, सर्वाइकल, माइग्रेन, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स। मैं अगर गिनाने लगूंगा तो आपको लगेगा कि ये पूरा सिर्फ प्रॉब्लम्स का ही वीडियो हो गया। तो आपको मालूम है ये सारी चीजें जो कंटिन्यूस हो रही हैं और डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि स्ट्रेस की वजह से ही होती है, तो हमें समझने की जरूरत है स्ट्रेस क्या होती है। दूसरा, ये जो सिम्टम्स हैं मैं आज आपको बताऊंगा, ऐसा मत करना कि घर पे खुद ही साइकोलॉजिस्ट बन जाओ। ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए हम वीडियो बनाते हैं, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत पहले गेज कर सकें, उसको बढ़ने ना दें, क्योंकि स्ट्रेस सबको होती है। अगर आपको शुरू में पता लग जाएगा आप जल्दी कंट्रोल करा लोगे, और स्ट्रेस को कंट्रोल करने का तरीका। तो ये पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है, चलते हैं इस जर्नी पे। और अभी तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ये आप ही की हेल्प के लिए है, आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमें सबसे पहले समझने की जरूरत है स्ट्रेस क्या है, चिंता क्या होती है। चिंता थॉट्स के जो कंफ्यूजन है उसको चिंता बोलते हैं, विचारों में बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाने को हम चिंता बोलते हैं, बहुत ही सिंपल आसान भाषा। और जैसे ही वो कंफ्यूजन बढ़ता रहेगा तो वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके विचारों में कंफ्यूजन क्यों होता है, तो इसके वाई वाले बात पे चलते हैं कि वाई स्ट्रेस। तो वाई स्ट्रेस इसलिए कि हमारे तीन माइंड हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, पैरा सबकॉन्शियस। मेजरली हमारे जो डेली रूटीन है उसमें कॉन्शियस और सबकॉन्शियस काम करते हैं। अब इन माइंड की जो डिटेल है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, और साइकोलॉजिकल टेस्ट की भी डिटेल ऑलरेडी अवेलेबल है वॉल्स पे, तो आप चेक कर सकते हैं। मैं उनको दोबारा से इस वीडियो में ऐड नहीं करूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वो आप उसी वीडियो पे जाएं, सोलमेट पैरा साइकोलॉजी है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है, और कॉन्शियस सबकॉन्शियस ब्रेन के ऊपर है, आप उनमें जाएं, सर्च करें तो आपको समझ आ जाएगा। तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस आपके दो मेजर ब्रेन माइंड काम करते हैं। तो आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ये आपके मेजरली काम करते हैं। तो अब जो आपकी प्रेजेंट की और जो आपकी फ्यूचर की प्रॉब्लम्स हैं, जिसको स्ट्रेस बोलते हैं, चिंता है, वो सब कॉन्शियस क्रिएट करता है। और वो जो कॉन्शियस क्रिएट करता है तो क्या होता है कि जो सब कॉन्शियस है उनको नलीफाई करता रहता है, न्यूट्रलाइज करता रहता है, और आप बचे रहते हैं, क्योंकि दोनों बहुत इंटेलिजेंट है, दोनों ही एक दूसरे को सहयोग करते हैं, एक क्रिएट करता है तो दूसरा खत्म कर देता है, और आप अपने विचारों को ऐसे ही दबा देते हैं, आप समझ रहे हैं। और जो आपकी पास्ट की चीजें हैं, जो ट्रिगर होती हैं पास्ट में, वो चीजें आपका कॉन्शियस नलीफाई कर देता है, क्योंकि पास्ट के एक्सपीरियंस से कुछ आपने लर्न किया है, कुछ नहीं किया, कुछ कंफ्यूजन हो सकते हैं, इन दोनों ही चीजों को कॉन्शियस जो है वो नलीफाई कर देता है और आप बचे रहते हैं। प्रॉब्लम कहां शुरू होती है, जब एक माइंड बहुत ज्यादा थॉट्स आपको देने लगता है और दूसरा माइंड उसको नलीफाई नहीं कर पाता है, तो वो पाइलअप होने लगते हैं, और जब वो पाइलअप होने लगते हैं तो एक दिन तो ब्लास्ट होगा, कुकर की अगर गैस सही ढंग से नहीं निकलेगी तो कुकर फटेगा, और फटेगा तो हॉस्पिटल में होंगे आप, आर्थराइटिस और वो सब जो मैंने बताया आपको,
कार्डियो अटैक हो सकते हैं। तो हमें एक दूसरे को, ये दोनों माइंड को कंपनसेट करते रहेंगे तो आप स्ट्रेस से बचे रहेंगे। और जो लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें स्ट्रेस नहीं होता, तो वो फेक बिहेवियर करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस असंख्य होता है। क्योंकि माइंड है तो थॉट होगी, और थॉट है तो माइंड होगा। तो माइंड आपका है तो थॉट तो होगी, रोक नहीं सकते आप। और ये कैसी होती है, असंख्य, इनको काउंट नहीं कर सकते। ये जो बाल है ना, जैसे हम काउंट नहीं कर सकते, तो चिंताओं को भी हम काउंट नहीं कर सकते। तो अब आपको समझ आ गया होगा स्ट्रेस क्या है, अब आपको समझ आ गया होगा क्यों होता है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से और आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, क्योंकि आजकल कंप्यूटर आप सब लोग यूज करते हैं तो आप जल्दी समझ जाएंगे। आसान एग्जाम्पल क्या है, हर एक के कंप्यूटर में ऑलमोस्ट एंटीवायरस होता है। तो आपको वायरस आते रहते हैं, एंटीवायरस उनको न्यूट्रलाइज करता रहता है, वायरस आते रहते हैं, एंटीवायरस उनको नलीफाई करता रहता है। फिर क्या होता है, एक टाइम कोई वायरस ऐसा आ जाता है जिसको एंटीवायरस रोक नहीं पाता है, तो उसको क्वारंटीन कर देता है और उसमें रख देता है, ताकि वो फाइल को आप यूज ना कर पाए। माइंड भी आपको ऐसे पाइल अप करके बैक मेमोरी में डाल देता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा वायरस भी आता है जिसको क्वारंटीन भी नहीं कर पाता, तो आपको वार्निंग देता है एंटीवायरस कि बचा लो भाई, कंप्यूटर बंद होने वाला है। अगर आपने वो इग्नोर कर दिया तो आपका सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाएगा। तो वैसे ही अगर आप ये जो सिम्टम्स है इनको इग्नोर करते चले जाएंगे, तो एक दिन माइंड जो आपका काम कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी और बच्चे से काम नहीं कर पाएगा। तो अभी तक हमने क्या समझा, स्ट्रेस क्या है और इसके रीजन क्या है, इस एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं उन पांच सिम्टम पे, जो बहुत बेसिक सिम्टम मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो है इमीडिएटली आपको एक्शन लेने की जरूरत है, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है। अगेन ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है, अगर आपको स्ट्रेस लेवल चेक कराना है, देयर आर द मशीन्स, देयर आर द टेस्ट, तो आप साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाएं उसके लिए। तो चलते हैं इस जर्नी पे। पहला जो पॉइंट है, जो पहला स्ट्रेस आप गेज कर सकते हैं, वो है योर एपेटाइट विल चेंज, खान पान आपका बदल जाएगा। या तो आप नॉर्मल कंडीशन में भी क्या करेंगे, खाने में बहुत ज्यादा गैप करने लगेंगे, और या इतना मल्टीपल खाने लगेंगे कि हर दो घंटे बाद आपको भूख लग जाएगी, तो समझ लीजिए आप चिंताओं में हैं। दूसरा, आप जंक फूड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको रोटी खाना पसंद नहीं होगा, जो नॉर्मल आपका फूड है जंक फूड में बहुत इंटरेस्ट आएगा। तीसरा, आपको स्वीट खाने का बहुत मन करेगा और दबा के खाएंगे, फिर रिजल्ट क्या होगा, शुगर गिफ्ट ले आएंगे, क्योंकि स्ट्रेस तो पहले से है, बिना स्ट्रेस के नहीं होता, स्ट्रेस तो पहले से है और ऊपर से आपने मीठा खा लिया तो क्या होने वाला आपको मालूम है। तो ये अब शुगर क्यों खाते हैं, क्योंकि शुगर से ग्लूकोज बनता है और आपकी बॉडी में ऑलरेडी एनर्जी लेवल लो रहता है, जो ग्लूकोज वो एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, इसलिए आपका इंटरेस्ट उस पर बढ़ जाता है। स्ट्रेस से एनर्जी लेवल कम हो जाता है और आप एपेटाइट जब चेंज करते हैं तो उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है माइंड, और वो जितना बैलेंस कर सकता है उतना करता है, नहीं तो आपको साइड इफेक्ट में फिर कोई ना कोई डिजीज होने लगती है। तो पहला पॉइंट समझ आ गया, आपका खान पान अगर चेंज हो रहा है ना चाहते हुए भी, अट्रैक्शन बढ़ रहा है आपका ज्यादा खाने में या बिल्कुल नहीं खाने में या जंक फूड खाने में या स्वीट ज्यादा खाने में, तो प्लीज चेक करिए आपका कहीं स्ट्रेस लेवल बढ़ तो नहीं गया। तो दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है यूर एक्सपीरियंस फॉर डाइजेस्टिव इश्यूज, अब स्टमक की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, क्योंकि पेट, मैंने बताया ना, स्टमक आपके ग्लूकोज का सेंटर पॉइंट है, वहीं से सारी एनर्जी निकलनी है, वहां पे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अब वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अनयूजुअल पेन रहना, ठीक है, ब्लॉटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ये कुछ सिम्टम है जो आपको स्ट्रेस की वजह से हो सकते हैं। और ये जब सिम्टम होने लगे, रेगुलर होने लगे नॉर्मल खान पान में भी, तो आप समझिए, अब ये मत कहिए कि मैंने वो नाले के पास का गोलगप्पे का पानी पी लिया था तो डायरिया हो गया, तो भाई हो सकता है स्ट्रेस की वजह से नहीं है, लेकिन नॉर्मल अगर खान पान में आप नॉर्मल खा रहे हैं तो भी ये प्रॉब्लम हो रही है, तो समझिए आप स्ट्रेस में हैं।
तो आपका ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, स्लीपिंग इशू, इंसोमनिया की बीमारी हो सकती है। स्लीपिंग इशू में क्या, नींद नहीं आना। रात को बैठे हैं तीन तीन चार चार घंटे आपको नींद नहीं आ रही है। जब तक बॉडी इतनी टायर्ड नहीं होती कि माइंड अब काम ही नहीं करेगा तब तक आप सो नहीं पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, नींद आ गई आपको, रात को टूट गई, फिर नींद नहीं आ रही, स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा। अब ये मत कहिएगा कि भाई मैं तो वहां काम करता हूँ कॉल सेंटर में, मैं तो रात को सोता हूँ, रात को काम करता हूँ और दिन में सोता हूँ, तो मेरा तो पैटर्न चेंज होगा, क्योंकि आपकी जॉब ऐसी है। नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, स्लीपिंग पैटर्न सेम हो जाएगा, रात को आप जागते रहेंगे दिन में सो जाएंगे, सुबह बहुत ही लेट उठेंगे, 12-12 बज जाएंगे, आप नॉर्मल कंडीशन में आप उठ नहीं पाएंगे। तो आप समझिए आपके स्ट्रेस के इश्यूज बढ़ रहे हैं, आपको उन पे वर्क करने की जरूरत है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है नेगेटिव फीलिंग्स को क्रिएट होना। नेगेटिव फीलिंग बहुत सारी क्रिएट हो जाएंगी, छोटी सी अगर आपको फुंसी हो गई मान लो, तो आप क्या कहेंगे, ओह पता नहीं कितने, इससे कोई बड़ा तो नहीं जाएगा, कैंसर तो नहीं हो जाएगा, इस तरह की नेगेटिव फीलिंग। आप बाहर निकले हैं, मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, रात को सो रहे हैं भूकंप तो नहीं आ जाएगा, किसने बेड थोड़ा सा हिला दिया, आप रुक ही नहीं पा रहे हैं, डर के मारे काफी देर लग रही है आपको, इस तरह की अगर आपकी फीलिंग शुरू हो गई है, कोई गेस्ट आने वाला है, आप बार बार चिंता कर रहे हैं, अरे यार वो पहुंच जाएगा ना, कहीं ऐसा ना हो, कुछ हो जाए, कोरोना जैसे अभी चल रहा है इन टाइम में, आपको लगेगा कि कोरोना तो आपके दरवाजे पे बैठा है, बाहर पांव रखते ही कोरोना हो जाएगा आपको, तो आप समझिए आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, आपको उस पर काम करने की जरूरत है। चलते हैं अगले पॉइंट पे, क्रेविंग होनी शुरू हो जाएगी सब्सटेंस की। अल्कोहल अगर आप कम पीते हैं तो ज्यादा पीने लगेंगे, नहीं पीते हैं तो शुरू करने लगेंगे, निकोटीन बढ़ जाएगा, सिगरेट बहुत ज्यादा पियेंगे, और कभी कभी हम ड्रग्स में भी चले जाते हैं। तो आपका ये प्रॉब्लम रेगुलर से बहुत ज्यादा हो जाएगा। मान लो दिन में एक सिगरेट पीते हैं, सिगरेट वैसे भी पीनी नहीं चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उस पर भी लिखा होता है, बट स्टिल आप पीते हैं, अगर स्वास्थ्य को खराब ही करना चाहते हैं तो अगर आप एक पी रहे हैं तो हो सकता है पांच पीने लगे, दस पीने ड्रग्स में शिफ्ट हो जाएं, या अल्कोहलिक बहुत ज्यादा हो जाएं, तो इस तरह सब्सटेंस आपके बढ़ने लगेंगे, और अगर ऐसे सब्सटेंस बढ़ रहे हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल कंटिन्यूअस लेवल से बढ़ गया है, आपको इमिडिएटली एक्शन लेने की जरूरत है। अगर ये सारी चीजें हो गई हैं और आपको ऐसा लग रहा है इनका कोई एंड नहीं है, ये बढ़ती जा रही है, तो डेफिनेटली इनके फिर डिसऑर्डर होंगे और आपको वो प्रॉब्लम डिसऑर्डर वाली फेस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या है, आप पहले ही स्ट्रेस को दबा दें। आचार्य चाणक्य कहते थे दुश्मन, क्योंकि स्ट्रेस भी हमारा एक दुश्मन ही है, जितना छोटा हो उसको उसी टाइम खत्म कर देना चाहिए। तो स्ट्रेस जितनी छोटी होगी वो उसी टाइम अगर खत्म कर देंगे तो यू विल बी वेरी हैप्पी। होप आपको ये समझ आ गया होगा स्ट्रेस क्या है, कैसे होता है, और कैसे हम पता लगा सकते हैं हम स्ट्रेस में हैं या नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।